हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक के बारे में, वह है हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान। हमारे मन में इतने कुछ सवाल रहते हैं कि हम कौन से म्यूचुअल फंड प्लान में इन्वेस्ट करें, कौन सा फंड म्यूचुअल फंड प्लान हमारे लिए अच्छा रहेगा और कौन किस तरीके से हम उसमें हाई रिटर्न पा सकते हैं। तो ये टोटली सवाल के जवाब के लिए हमें कुछ पैरामीटर देखने पड़ेंगे। आपका पहला पैरामीटर है आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, फिर उस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, तीसरा है आपका फंड मैनेजर एनालिसिस, फोर्थ वन विल बी योर रिस्क एंड रिवॉर्ड, फिफ्थ वन विल बी योर एक्सपेंस रेशियो, सिक्स्थ वन विल बी योर एग्जिट लोड, सेवन्थ विल बी योर फंड प्लान, म्यूचुअल फंड प्लान क्या है। ये सातों पैरामीटर के हिसाब से हम लोग टोटली आपको कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें टोटली पता चलेगा। बेसिकली आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, किसी भी कंपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है तो उस म्यूचुअल फंड का कितने आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव देखें कि वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके जो फंड मैनेजर हैं, उनकी कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका फ्यूचर विजन क्या है, वो आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, कि वो आपका अच्छा रिटर्न दे पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपके मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से आपके तरफ काम कर रहे हैं कि नहीं, टोटली आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली ये जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, ये बेसिकली हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक ऑफर डॉक्यूमेंट आता है। उस ऑफर डॉक्यूमेंट को आप उसमें ए टू जेड पैरामीटर पढ़ें, जैसे उसमें आपका होता है गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं, लोड एंड एक्सपेंसेज होते हैं। ये टोटल पैरामीटर जब आप एनालाइज करेंगे आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में, तब आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड प्लान ले सकते हैं। तो आपको कहते हैं उस कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ उस ऑफर डॉक्यूमेंट में जो आपके अवेलेबल हैं अपने इन्वेस्टमेंट गोल को मैच करना पड़ेगा। आप ये ऑफर डॉक्यूमेंट कहाँ से पा सकते हैं, आप बेसिकली जो म्यूचुअल फंड प्लान ले रहे हैं उसके बाद गूगल पे जाकर आप ये ऑफर डॉक्यूमेंट जब टाइप करेंगे तो वो लिंक आपकी ओपन हो जाएगी ऑफर डॉक्यूमेंट की। या आप चाहें तो कहते हैं ये ऑफर आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, वो फंड मैनेजर या कहते उस कंपनी का नाम डालकर ऑफर डॉक्यूमेंट करके, ये टोटली आपको टोटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑफर डॉक्यूमेंट में जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको अपने इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चूज करने चाहिए, क्योंकि आप जो अगर कोई चीज़ एक तरह से मैच नहीं होगी तो आखिर में उसका रिजल्ट डिस्ट्रक्शन ही होता है। इसलिए इसे चूज करने से पहले अपना ऑफर डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें किसी भी कितने म्यूचुअल फंड स्कीम का, वो उनकी वेबसाइट या कितने वो जब वो लॉन्च होती है या कितने जब वो कंपनी आती है तो डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पर ये सिर्फ अवेलेबल रहेगी ऑफर डॉक्यूमेंट। दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं आपका पास्ट परफॉर्मेंस। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के बाद किसी कंपनी का जो दूसरा पार्ट देखा जाता है वो है पास्ट परफॉर्मेंस। उस कंपनी ने जब से स्टार्ट हुई है तब से कितने अब तक कितने CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न मींस कितना कंपाउंडेड ग्रोथ प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर को, ये टोटली देखना पड़ता है। या वो कंपनी अगर कहते आपको कुछ मंदी हो या कहते कुछ जैसे अभी 2020 का कोरोना क्राइसिस हो, उसमें वो सर्वाइव कर पाती है कि नहीं, या उसका परफॉर्मेंस उस समय कैसा चल रहा है, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि वो आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी को कहते हैं आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको उसका एक बेंचमार्क पैरामीटर है, इसमें कितने आपका पास्ट परफॉर्मेंस में उसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो कितने आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रही है उसका बेंचमार्क रिटर्न के हिसाब से आपका कहते हैं परफॉर्मेंस मिल रहा है कि नहीं, तब जाकर आप उस कंपनी में कितने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स उस कंपनी का जो रिटर्न एनुअल रिटर्न प्रोवाइड कर रही है उसका एक बेंचमार्क रिटर्न जब मैच करेगा तभी जाकर आपका जो कहते हैं आपने जो इन्वेस्ट किया है वो बेसिकली हाई रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, आपने HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मैंने कहते हैं जिस तरीके से अभी रिकॉर्ड निकाला है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड का, उसका जो रिटर्न था 5 साल में कितने आपका 10.28%, 5वें साल का, 3रे साल का कहते हैं आपका था आपका 4.28, फिर उसका 3रे साल का कितना है 3.42, 1 साल का आपका 1.28, मीन्स इस तरह का परफॉर्मेंस था। उसका जो बेंचमार्क का था वो आप देखेंगे कितने 5 साल में 14.23, 3 साल में आपका 10.23, आपका कितने 2 साल में आपका 5.23, मीन्स ये जो आपका रिटर्न प्रोवाइड कर रही है वो अपने बेंचमार्क से बहुत बेकार प्रोवाइड कर रही है, मीन्स रिटर्न अच्छा नहीं प्रोवाइड कर रही इन HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स इसमें आप परफॉर्म ये अपना परफॉर्मेंस क्या हो रहा है बेकार हो रहा है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इस तरीके से आप बेंचमार्क के थ्रू किसी कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं कि उस तरीके से वो रिटर्न प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, क्योंकि बेंचमार्क एक ऐसा पैरामीटर है कि आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकता है।
मान लीजिए वो कंपनी शॉर्ट टर्म में कितने हैं, क्या आपका क्या आपको प्रोवाइड कर रही है, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि कोई कंपनी जब नई लॉन्च होती है तो उसके पास ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, तो ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चेक कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ, उस कंपनी का पास्ट, अगर वो कंपनी कितने 5 से 10 साल पुरानी चल रही है, तो उसका आप 5 से 10 साल का कहते हैं आपका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें, उसका बेंचमार्क रिटर्न चेक करें कि आपका जो रिटर्न अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो रिटर्न हो रहा है वो बेंचमार्क रिटर्न के हिसाब से है कि नहीं। फिर उसका अपना 10 साल का कहते हैं फ्यूचर प्लान चेक करें, क्योंकि इस तरीके से आपको जो रिटर्न मिलेगा वो हाई होगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका कहते हैं बेंचमार्क तो चेक करेंगे ही, पर एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा हूँ कि आप जो नई कंपनी जो म्यूचुअल फंड स्कीम रहते हैं उसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि उनको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट वो पब्लिश नहीं करते हैं, क्योंकि नई कंपनी रहती है तो उस समय ऑफर डॉक्यूमेंट तो आपका अवेलेबल रहेगा नहीं। तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो जो फंड मैनेजर है उसका ऑफर उसका कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि वो फंड मैनेजर का कहते हैं फ्यूचर विजन क्या है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके पास इतना स्किल्स है, उसका इतना एक्सपर्टीज है उस फील्ड में और उस म्यूचुअल फंड प्लान में, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो पुरानी कंपनी में कैसे काम किया है, ये टोटली देखने के बाद आप चाहे वो न्यू म्यूचुअल फंड प्लान जो अभी आए हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कौन सा है, फंड मैनेजर एनालिसिस, मीन्स आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लिया, आपने म्यूचुअल फंड स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लिया, पर अब आप क्या रहता है फंड मैनेजर का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है कि वो फंड मैनेजर में कितना एक्सपीरियंस, कितना स्किल्स, कितना एक्सपर्टीज, क्या फ्यूचर विजन है म्यूचुअल फंड को लेकर, कितना रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो पिछले कंपनी में कितना कौन सी म्यूचुअल फंड को में को हैंडल कर रहा था, या कितने उस पिछले कंपनी में कितने कितना उसने प्रॉपर रिटर्न प्रोवाइड किया, या कितने उसका बैकग्राउंड क्या है, ये टोटली आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके अपने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आप जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो वो बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका क्या रहता है, उसे कौन मैनेज करता है, फंड मैनेजर मैनेज करता है। बेसिकली आपका जो पैसा होता है डायरेक्टली फंड मैनेजर के हाथ में रहता है, वही आपने स्किल्स और एक्सपर्टीज और आपके फ्यूचर विजन पे आपके पैसे स्टॉक मार्केट या कहते हैं इन्वेस्ट करता है और रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमें फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस जरूर रिकॉर्ड रखना चाहिए कि उसने 5 साल से 10 साल से उसने जो पिछली कंपनी में काम किया है या कहते हैं इस कंपनी में जो काम कर रहा है उसने कितने रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, क्या कहते हैं उसका परफॉर्मेंस बेकार तो नहीं उस एसेट म्यूचुअल फंड प्लान में, या कहते हैं कुछ उसके कितने टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं जिसकी वजह से उसने कहते हैं कुछ गलत रिटर्न प्रोवाइड किए हों। ये टोटली आपको उस फंड मैनेजर को एनालाइज करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके अच्छा को रिटर्न अच्छे मिले तो फंड मैनेजर के रिकॉर्ड को आप जरूर ट्रैक करें, जिस तरीके से आप ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम का कितना ट्रैक रिकॉर्ड आप देखते हैं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो उसी तरीके से फंड मैनेजर का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप उस फंड मैनेजर का नाम और उसके आगे ब्लूमबर्ग आप टाइप करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका एक लिंक ओपन होगा, उसमें आपको उस फंड मैनेजर का टोटल एग्जीक्यूटिव समरी आपको मिल जाएगा कि उसने क्या काम किया, उसका बैकग्राउंड क्या है टोटली। और अगर आप चाहें तो उस फंड मैनेजर का नाम और फंड जब टाइप करेंगे तो आपको एक मनी कंट्रोल की लिंक ओपन होगी, तो आपको पता चल जाएगा वो फंड मैनेजर अभी कौन कौन से कितने म्यूचुअल फंड में को मैनेज कर रहा है, कहाँ कहाँ से उसका रिकॉर्ड है, टोटली ए टू जेड आपको मनी कंट्रोल पे आपको रिकॉर्ड उसकी टोटली समरी मिल जाएगी फंड मैनेजर की। तो बेसिकली मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो फंड मैनेजर के बारे में जानें, वही आपको एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मान लीजिए आपका एक एग्जांपल थोड़ा को समझाता हूँ, मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, 5 से 10 साल के बीत गए हैं, आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 10 साल बाद उस म्यूचुअल फंड स्कीम का कहते हैं फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, तो क्या होता है आप देखते हैं वो जो फंड मैनेजर नया आया है पुराने वाले फंड मैनेजर से तो आपका अच्छा रिटर्न मिल रहा है, उसने उसका कहते हैं स्किल्स बहुत अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, पर जो नया वाला आया है उसका परफॉर्मेंस आपने देखा ट्रैक रिकॉर्ड के थ्रू आपके मनी कंट्रोल के थ्रू या ब्लूमबर्ग के थ्रू, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आपको कितने हैं अपना इन्वेस्टमेंट उस समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका कितने इन्वेस्टमेंट को मल्टी बैगर नहीं डाइवर्सिफाइड अब नीचे गिरा देगा, क्योंकि उसके स्किल्स एंड परफॉर्मेंस और फ्यूचर उसके एक्सपीरियंस पे बेसिस पे ही कितने आप जज कर सकते हैं कि वो आपके फंड को कहाँ तक पहुँचा सकता है। तो बेसिकली आप जब कभी भी इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड का वो फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आप उसे जरूर चेक करें।
अगर वो कितने आपको परफॉर्मेंस, अगर नया फंड मैनेजर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रखे और कितने आपका उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, या कितने उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस या उसके स्किल्स या एक्सपर्टीज अच्छा हो, तो आप जरूर कितने उसमें इन्वेस्ट करें, अगर फंड मैनेजर चेंज भी हो जाता है तब, क्योंकि जो नया फंड मैनेजर है उसके पास इतनी स्किल्स हैं जो आपने कितने चेक की हैं अपने अपने मनी कंट्रोल या ब्लूमबर्ग के थ्रू, तो इतने पैरामीटर को रखना चाहिए। चलिए लेते हैं अपना चौथा पैरामीटर, वो है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड। बेसिकली अब जब ऑफर डॉक्यूमेंट आप जब पढ़ते हैं किसी का म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो उसमें एक पॉइंट रहता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, आपको ये बताता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितने रिवॉर्ड तो मिलेगा, पर उसके साथ कुछ रिस्क भी रहते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी रहते हैं। मान लीजिए कितने जिस तरीके से मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसमें क्या कहता है, जो ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो आपको तो अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, पर जब ये कितने मंदी का दौर रहता है जैसे कोरोना था, तो ये जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां हैं कितने ये कितने हैं तो इनके जो आपके रिटर्न प्रोवाइड करने के, इनके ग्रोथ एकदम नीचे हो जाते हैं। तो आपको टोटली हर कंडीशन को लेकर काम करना चाहिए, कि कितने आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखता है आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में किसी के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के इन्वेस्ट करने से पहले। तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए आपको ये नहीं रखना चाहिए कि आपको कोई म्यूचुअल फंड आप मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट अच्छा रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का मार्केट का एक अच्छा वैल्यू, जैसे अभी आपके बजट के बाद मार्केट बहुत अच्छा ओपन हुआ है, सेंसेक्स भी 51,000 से ऊपर चल रहे हैं, बैंक निफ्टी आपका 35,000 से ऊपर चल रही है, या आपका निफ्टी भी 15,000 से ऊपर चल रहा है, तो ये सब पैरामीटर कितने हैं मार्केट को सपोर्ट करता है और मिड कैप स्मॉल कंपनी के कितने हैं अच्छे अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करता है। पर कितने जो मतलब बैड सिचुएशन आती है, जैसे 2008 की क्राइसिस थी, या 2010 की क्राइसिस थी, या 2020 की क्राइसिस थी, तो इस समय ये सब कंपनियां डूब जाती हैं और बंद हो जाती हैं, तो आपका रिटर्न भी उस समय 0 हो जाता है। तो मैं आपको कहते ये रहेगा कि आप किसी कंपनी का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो म्यूचुअल फंड के स्कीम में उस ऑफर लेटर ऑफर डॉक्यूमेंट में जरूर पढ़ें। रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकें, क्योंकि एक समय ऐसा आता है आप अधिक रिस्क आप ले लेते हो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से तो आप मार्केट में डूबोगे ही। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके कुछ बेसिक्स और होल्डिंग डिटेल आपको जानने चाहिए म्यूचुअल स्कीम के। होल्डिंग डिटेल क्या है, उस म्यूचुअल स्कीम ने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और किस किस स्टॉक में होल्डिंग करके रखी है, ये टोटल बेसिक डिटेल आपको जानने चाहिए। बेसिक डिटेल और होल्डिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रो ऐप में आप जाकर कितने उसके टोटली कितने आपको होल्डिंग आप चेक कर सकते हैं, उस म्यूचुअल फंड ने किस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, किस वो रिटर्न अधिक प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं, ये टोटली एनालाइज करने के बाद आप जब काम करेंगे इन्वेस्ट करेंगे किसी म्यूचुअल फंड में तो आपका अच्छे रिटर्न हो। लेते हैं अपना पांचवा पॉइंट, वो है एक्सपेंस रेशियो। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के उस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो को देखना चाहिए, और दूसरा है आपको उसके फंड के प्लान को देखना चाहिए। ये एक्सपेंस एंड रेशियो एंड प्लान, ये दोनों लेकर ही आपको किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, आप जब किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को कितने अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं तो उसके लिए कुछ वो फीस चार्ज करते हैं, उस जो फीस चार्ज करते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। बेसिकली एक्सपेंस रेशियो आपका 0.5% से 2% के बीच होते हैं। हर कंपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंस रेशियो आपको चार्ज करती है, वो 0.2 से 2% के बीच रहता है। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में कितने आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए कितने आपका म्यूचुअल फंड स्कीम 2% चार्ज करेगा, मतलब 2,000 रुपये आपसे चार्ज करेगा। इसी तरीके से आपके कितने एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आपका एक म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो का उसी तरीके के डिफरेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड स्कीम को आप कंपेयर कर सकते हैं उसके एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से। एक एग्जाम्पल तो समझते हैं, मान लीजिए आपने अपने SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ये क्या है, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.08% है। उसी प्रकार के उसी तरीके के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कंपनी हम देख लेते हैं, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.91% है। आपका देख लेते हैं आपका आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फंड, जिसका कितने आपका एक्सपेंस रेशियो है आपका 0.51, और आपका इसी तरह SL लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.45%। मीन्स इस तरीके से आप सबका एक्सपेंस रेशियो देकर आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आपका एक है ब्लैक डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड,
इसका एक्सपेंस रेशियो 1.44% है। ये एक बेसिकली मिड कैप म्यूचुअल फंड है। इसी तरीके से और भी इसके मिड कैप म्यूचुअल फंड के जितने आपको एक्सपेंस रेशियो अगर चेक करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा अधिक मिलेगा। अगर किसी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा सा अधिक मिल रहा है पर उसका जो मतलब कि एक्सपेंस रेशियो तो आपको अधिक मिल रहा है पर उस कंपनी का डिफेंस सेक्टर के मुकाबले मतलब उसी सेक्टर के मुकाबले आपको कितने अच्छा रिटर्न मिल रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसमें कितने अधिक एक्सपेंस रेशियो मतलब अधिक फीस देने की कोई दिक्कत नहीं है, कितने आप उसमें फीस दे सकते हैं क्योंकि वो रिटर्न अच्छा प्रोवाइड कर रही है। उसी तरीके से हम अपना छठा पॉइंट लेते हैं, फंड प्लान मीन्स म्यूचुअल फंड प्लान। बेसिक किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके प्लान को देखना पड़ता है। आप उस फंड प्लान को कितने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रेगुलर प्लान है एक डायरेक्ट प्लान है। रेगुलर प्लान में आपका क्या होता है, आप अपना फंड एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कितने आप इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स आप जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो मैनेज कर रही है आपके पैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर उसमें क्या रहता है कुछ कमीशन देता है। दूसरा क्या है आपका डायरेक्ट प्लान, इसमें क्या रहता है कि आपको डायरेक्टली कितने हैं उस म्यूचुअल फंड में कितने जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट या म्यूचुअल फंड कंपनी में जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलर प्लान में आपका यह रहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है आपसे कुछ फीस चार्ज करता है, बेसिकली वो आपसे फीस नहीं चार्ज करता है, वो जो आपको कितने एक्सपेंस रेशियो आपने उस कंपनी को पे किया है म्यूचुअल फंड स्कीम में उसी में आपका कितने वो अपना पैसा एडजस्ट कर लेता है उस कमीशन में ही, और फिर उसके वो अपना कमीशन निकाल लेता है। जब आपका प्लान मैच्योर हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है तो वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर को उस अपना कमीशन प्रोवाइड कर देती है। तो आपका कितने कमीशन के हिसाब से भी कितने आपका म्यूचुअल फंड डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से। आप बेसिकली हम लोग जो डायरेक्ट प्लान में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितने कोई डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है डायरेक्ट प्लान का एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान, क्योंकि ये जो रेगुलर प्लान है इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है तो जिसके वजह से इसका भी कमीशन देना पड़ता था, मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो अधिक होगा डायरेक्ट प्लान के। LGFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का आपका जब रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो 1.74% है और उसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो क्या है 1.09%। ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर आ जा रहा है और डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। जब इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 0.6% से भी आपको अधिक मिलेगा। ये जो डिफरेंस आपको शॉर्ट टर्म में तो नहीं पता चलेगा पर ये जब लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग होगी तो इसका इफेक्ट आपको दिखेगा आपके आपके रिटर्निंग में, क्योंकि आप जितना रिटर्न करेंगे जितने सालों के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे 5 साल 10 साल तो उस हिसाब से कंपाउंडिंग होगा तो इस डिफरेंस का आपको पता चलेगा। इसलिए बेसिकली आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें क्योंकि वो आपको कम एक्सपेंस रेशियो में हाई रिटर्न प्रोवाइड करता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का लेना देना नहीं है। आप बेसिकली जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद हमारा आता है सातवां पॉइंट, वो है एग्जिट लोड। बेसिकली आप अपने किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम से आप एग्जिट करते हैं तो उस यूनिट पे कितने आपको कुछ एग्जिट लोड देना पड़ता है, वो 0.5% से लेकर 2% के बीच रहता है। मतलब कि आप अपना मान लीजिए आप साल भर का म्यूचुअल फंड का प्लान लिए हैं, आप साल भर से पहले निकल जा रहे हैं तो आपको कुछ फाइन पे करना पड़ेगा, उसे कहते हैं एग्जिट लोड, जो कि 0.5% 2% होता है। उस 2009 से पहले एक एंट्री लोड लगता था, मतलब कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आपको कुछ एंट्री लोड देना पड़ता था, पर सेबी ने 2009 में कहते हैं इस एंट्री लोड को बैन कर दिया है। आप चाहें तो अब क्या हो गया है, आप ये टोटल डिस्क्रिप्शन कहाँ पा सकते हैं, ग्रो पे आप जाकर पा सकते हैं www.grow.com इसकी वेबसाइट पे आपको टोटली कितने आपका ऑफर डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपके इसके टोटल जो पैरामीटर मैंने आपको बताया है वो टोटली आप एनालाइज कर सकते हैं, या आप www.morningstar में भी जाकर आप ये टोटल चीज़ पा सकते हैं, या valueonlineresearch.in इस पर भी जाकर आप टोटल एनालाइज कर सकते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के स्कीम के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।